hello guys welcome back to my youtube channel today there is an important update from tech mandra as tech mandra is sending the fresher evaluation process for and that is the assessment link and this is the mail came from the team of tech mandra for the campus joining dear applicant this is with referral to your registration for the tech mandra fresher evaluation process we have mentioned the academic eligibility criteria and other details on the instruction page before starting the registration process. Based on the details here, we have considered your candidature for the evaluation process. However, you will be checking your academic eligibility during the document verification. If we find that you don't meet the criteria, we would cancel your uh, employment and this is the uh, interview schedule and test mail came from the team of tech mahindra and uh, however we will checking your academic eligibility during, during the document verification if we find that you don't meet the criteria we won't be able to move forward with your application

यदि आपका दो साल का गैप है तो फिर ये ऑफर लेटर लेना है यदि आप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बैच, के यदि बैच के यदि इसमें अप्लाई करते हैं तो उनका जैसे ऑफर लेटर कैंसिल किया जाता है यदि कोई स्टूडेंट है वो अप्लाई कर रखा है लेकिन यदि वो एलिजिबल नहीं है तो उसका ऑफर लेटर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कैंसिल कर दिया जाएगा सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था टेक महेंद्रा की तरफ से और इसमें टेक महेंद्रा में पांच राउंड होते हैं बेसिकली फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस यदि मतलब हर एक राउंड इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज क्योंकि यदि आप एक राउंड यदि आपने अच्छा किया जैसे आपने एप्टीट्यूड और इंग्लिश राउंड अच्छा किया लेकिन आपने टेक्निकली और पीजियोमेट्रिक टेस्ट में यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका जो Uh, क्या पता है फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो या नहीं क्योंकि हर एक राउंड फिल्टर राउंड है तो उनको हर एक राउंड में आपने अच्छे से परफॉर्म करना है और उसके हिसाब से अपने टेस्ट देना है और इसमें जो इवेल्यूएसन का वो शेड्यूल है वो दे रखा है जैसे राउंड वन है वो फोर्टीन अक्टूबर को नाइन ए से लेकर फाइव पी तक है और इसमें आएगा जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा उसके बाद इंग्लिश एस आएगा और स्टोरी आएगा उसके बाद जो राउंड टू है वो टेक्निकल और पीजियोमेट्रिक टेस्ट है और वो है आपका सत्रह अक्टूबर को जो ग्यारह एम से स्टार्ट होके फोर पी एम तक है उसके बाद जो राउंड थ्री है कन्वर्सेशनल राउंड है दैट इज़ कन्वर्सेशनल टेस्ट है वो उन्नीस अक्टूबर को होगा वो ग्यारह बजे से लेकर तीन पी एम तक है उसके बाद राउंड फोर है टेक्निकल इंटरव्यू जो आपका ट्वेंटी फिफ्थ के बाद ही हो जो ये टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट होंगे उसके बाद जो एच आर इंटरव्यू है वो तीस अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे मीन्स आपके इस अक्टूबर के मंथ में आपका जो ये प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जैसे ही यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं सभी राउंड में तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका ऑफर लेटर और रिस्पेक्ट विद द जो लेटर आएगा सो इम्पोर्टेंट अपडेट था टेक महिंद्रा की तरफ से और मैं अभी कुछ वीडियो जो टेक महिंद्रा के इंटरव्यू प्रोसेस की वो डाल दूंगा और यदि मेरे पास यदि कोई जो एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चन भी पड़े होंगे तो वो मैं भी अगले वीडियो में नेक्स्ट एक दो वीडियो में डाल दूंगा सो इंपॉर्टेंट अपडेट था टेक महिंद्रा की तरफ से और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है सो थैंक यू गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल